नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में कल भी डिस्कशन किया था। खबर ही बड़ी थी, सबने करा, पूरा बाजार इस पे फोकस कर रहा है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अदानी ग्रुप की ये कंपनी है और अदानी जी दोबारा से बाइंग पे निकल चुके हैं। अंबुजा सीमेंट अपने टारगेट्स की तरफ बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ रहा है और इस सारी चीजें मैं आप सभी के साथ कल भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर कर रहे हैं। पहले स्टॉक का प्राइस मैं आपको बता दूं, उससे पहले बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है। सुबह से नीचे से काफी अच्छी रिकवरी है, लगभग 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट इस बीच में 1.5% ऊपर 675 पे ट्रेड कर रहा है। पूरा सीमेंट सेक्टर ही अच्छा कर रहा है इस समय, पूरा सीमेंट सेक्टर। एक्चुअली में देखा जाए तो इस तरीके की चीजें बाकी की कंपनीज के लिए नेगेटिव मानी जानी चाहिए क्योंकि एक कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाकी सीमेंट स्टॉक भी चल रहे हैं। इसके पीछे ना एक बड़ा कारण ये भी है कि देखो, जो पैना सीमेंट है वो भी काम तो कर ही रहा था, तो अब वो अपने लिए नहीं इनके लिए काम करेगा, तो काम तो वही है। जब कोई कंपनी एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाती है, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑर्गेनिकली बढ़ाती है, तो वो बाकी कंपनियों के लिए नेगेटिव होता है। एक एग्जांपल देता हूं, मार्केट में मान के चलो तीन दुकानें हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब क्या करा कि ये तीनों बेच रही हैं अपने हिसाब से। अब ये वाली जो है 10 पेन एक साथ बेचती है, इस वाली ने इसको खरीद लिया, ठीक है जी, तो अब ये 20 बेच रही है, ठीक है। तो इसके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ी टफ हुआ, ये तो पहले भी बिक रहा था, अभी बिक रहा है, तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट अभी भी सिमिलर ही है, कंपटीशन सिमिलर ही है। बट अंबुजा सीमेंट जो है नाम बड़ा है, वो ज्यादा तेजी से मार्केट कैप्चर करेगा। ये बाकी सीमेंट कंपनी के लिए एक्चुअली में नेगेटिव है, बट बाजार उसको समझ नहीं रहा है इस समय, बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब मैं एक्विजिशन की डिटेल एक बार फिर से दे दूं। देखो, अंबुजा सीमेंट के पास बढ़िया कैश है, ये आप सभी को अच्छे से पता है, हमने कल डिस्कस भी किया था। अंबुजा सीमेंट निकल चुका है खरीदारी करने और अदानी ग्रुप ऑलरेडी बोल चुका है कि हमारा भैया छोटा मोटा लक्ष्य है ही नहीं, बड़े लक्ष्य हैं हमारे। पहले मैं अंबुजा कह रहा हूं, आपको अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप का जो टारगेट है ना दोस्तों, वो काफी बड़ा है। कितना टारगेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक बार। अदानी ग्रुप से आपका अंबुजा सीमेंट को जो पहुंचाने की कोशिश है, इनकी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 140 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी ये पहुंचाना चाहते हैं, ये इनके लक्ष्य हैं। क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बताता हूं। दिस इज इन लाइन विद द, ये जो एक्विजिशन कराए इसको दिस इज यूज कराया इन्होंने, दिस इज इन लाइन विद द अदानी सीमेंट्स प्रीवियसली स्टेटेड टारगेट ऑफ रीचिंग 140 मिलियन टन पर एनम बाय 2028 देसे। तो अदानी ग्रुप का सीमेंट को लेकर बड़ा फोकस है और ये 2028 तक 140 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी पे पहुंचना चाहते हैं। कल इन्होंने जो एक्विजिशन करा है वो इसमें कितना ऐड करेगा, वो अराउंड 14 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी ऐड कर देगा। 10,000 करोड़ का ये एक्विजिशन है, एग्जैक्टली 10,400 करोड़ है पेन्ना इंडस्ट्री का एक्विजिशन, जो कि इनके लिए 14 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी एडिशनली ऐड करेगा। और इसी के साथ अंबुजा सीमेंट ना 89 मिलियन टन पर एनम के आसपास पहुंच जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग है कि अभी यहां से भी देखा जाए तो लगभग 51 मिलियन टन पर एनम की और कैपेसिटी बची है। 2024 चल रहा है अगले 4 साल में, यानी कि हर साल आप देख सकते हो 10 से 12 मिलियन टन की एक्विजिशन आएगी अदानी ग्रुप के लिए अंबुजा सीमेंट की तरफ से। तो ये बड़े लेवल पे काम चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि एक्विजिशन आएगी या ऑर्गेनिक कहीं प्लांट सेटअप करेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। बट इतना तो जरूर है, अदानी ग्रुप ने पहले ACC अंबुजा खरीदा, फिर अंबुजा ने सांगी खरीदा, अभी सांगी के बाद आपका पैना खरीदा, तो अब इनऑर्गेनिकली डायरेक्ट चलती फिरती कंपनियों को अदानी ग्रुप सीमेंट से खरीद रहा है, ये उनका क्लियरली फोकस दिख रहा है। अब क्या करें इन्वेस्टर, क्या ना करें? देखो, मार्केट को लग रहा है ये जो एक्विजिशन है ना, ये सस्ता है एज कंपेयर टू सांगी इंडस्ट्री। सांगी का थोड़ा महंगा एक्विजिशन था, इसलिए बाजार इसे पॉजिटिवली ले रहा है, ऊपर भी खुला, अभी नीचे आ रहा है स्टॉक। आप एक्विजिशन पे मत जाइए, आप इन्वेस्टमेंट पे जाइए। ACC मेरे को ज्यादा पसंद है इस समय, क्योंकि है तो अदानी ग्रुप का ही पार्ट और ACC एज कंपेयर टू अंबुजा आधे वैल्यूएशन पे मिल रहा है भैया, तो ACC की ज्यादा मेरे को इस समय ग्रोथ दिखती है। 2658 पे दिख रहा है वो, मैंने 2500 पे भी यही सारी चीजें बोली थी, ACC पे फोकस कीजिए, 2700 रुपए के लक्ष्य दी थे, अब तो ऑलमोस्ट 2700 हो गया, 3000 ACC पहुंच जाएगा आपके लिए। ACC का खरीदारी का भाव अराउंड 2500 रुपए करीब होगा, 2500 आपको जब भी मिले इसे जरूर उठाइएगा और ये 3000 के लक्ष्य के लिए रखिएगा आप। नीचे में 2200 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है, लेकिन बेचना नहीं है और ऐड करना, क्योंकि अदानी है, वॉलिटिलिटी हमेशा रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा सा महंगा जरूर लगता है मेरे को, 40 के PE पे ट्रेड करता है, 40-41 के डिप में मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं और डिप चाहिए मेरे को अराउंड
550 रुपीज तक की। अच्छा प्रॉब्लम कहाँ बनेगी, प्रॉब्लम अल्ट्राटेक के लिए हो सकती है क्या? देखो अल्ट्राटेक लीडर है और अभी तक तो लीडर ही है और बिरला ग्रुप भी फुल एक्शन में है, आपको भी दिख रहा है हमें भी दिख रहा है। और जो अल्ट्राटेक है उसको अभी वैल्यूएशन जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहे हैं अंबुजा वाले, जिसमें अंबुजा से ये काफी बड़ा है, जितना उनका टारगेट है उतने पे काम कर रहा है, तो इतना इजीली है अल्ट्राटेक को बीट करना। और अल्ट्राटेक वैल्यूएशन में 46 के पीई पे ही मिल रहा है और वो 40 पे मिल रहा है जिसमें इसकी आधी है वो ऑलमोस्ट, तो मेरे को लगता है अल्ट्राटेक की अभी भी कायम रहेगी लीडरशिप। बाकी अल्ट्राटेक ऑलरेडी 11,000 पार कर चुका है। तो ये मैंने पूरे सीमेंट पे एक बार आपको आउटलुक दे दिया, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।